तिथि मना रहे हैं। एक साल के अंदर इस योजना का समापन हो गया। होश में आओ। भूपेश तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। भूपेश तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। भूपेश बघेल होश में आओ। हुआ है ये बाड़े इधर कोई नहीं है चिंगारी। किसानों के साथ धोखाबाजी नहीं चलेगी। ठेकेदारों को प्रेशर भी कर रहे हैं कि खरीदना है। नहीं, और इसको बेच रहे इन लोग लगभग 6 रुपए किलो में। 8 रुपए किलो में बेच रहे हैं। देखो 13 रुपए। अब इसको लेना नहीं हमारे बहनों आओ ना। जी बताइए आज क्या हो रहा है। आज सरकार जो है गोबर खरीदी की जन्मतिथि मना रही है और हम लोग पुण्यतिथि मनाने आए हैं। उसका कारण यही है कि पूरे शहर में 4 केंद्र थे और चारों केंद्रों में पिछले 1 महीने से अधिक समय से गोबर खरीदी बंद हो चुकी है और जो पशुपालक हैं उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। पहली मांग हमारी तो ये है कि तत्काल गोबर खरीदी जिन केंद्रों में बंद की गई है पूरे ज़िले में उसको प्रारंभ किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जितनी खरीदी हुई और जितना भुगतान हुआ उसके एवरेज में 1 क्विंटल पे 40 किलो वर्मी कंपोस्ट बनना चाहिए। तो कितनी खरीदी किस केंद्र में हुई और कितने वर्मी कंपोस्ट बने ये सरकार को इसके जो डिटेल है वो जारी करना चाहिए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि गोबर बह गए ये बोल करके सरकार गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार। यदि 60,000 क्विंटल की खरीदी हुई होगी तो 40,000 क्विंटल या 40% उसका 40% खाद बनना चाहिए। वो खाद की उपलब्धता किसी भी जगह नहीं है, इसलिए खरीदी के गलत आंकड़े बताए जा रहे हैं। गोपालकों से खरीदी नहीं की गई है बल्कि वजन बढ़ा करके भुगतान करके भ्रष्टाचार किया गया है। और इसीलिए मैंने कहा कि पिछले हरेली के दिन इस योजना को सरकार ने प्रारंभ किया था और इस हरेली के आते आते इस साल के अंदर इस योजना ने दम तोड़ दिया। इस सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है। इस सरकार ने बिना तैयारी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इस योजना को प्रारंभ किया है, जिसका नमूना हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर उतने टाँके ही नहीं है जिसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सके। और इसका परिणाम ये हुआ
कि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, पशुपालकों के साथ गलत हो रहा है। उनके नाम पर कांग्रेसी जो है वो खुद गोबर का पैसा ले रहे हैं। इस तरीके का भ्रष्टाचार का एक नया तरीका कांग्रेस की सरकार ने अडॉप्ट किया है, और इसीलिए मैंने कहा कि